नोट डाउन कर लो बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, ठीक है? ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एक ग्राफ के बारे में। पिछला वाला लेक्चर जिसने देखा होगा ना बेटा, तो उस पर हम लोगों ने क्या बनाया था, किसका ग्राफ बनाया था? एक तो ग्राफ बनाया था उन्होंने फोर्स वर्सेस एक्स का, एक ग्राफ बनाया था उन्होंने एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का। और मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था पिछले लेक्चर में, मैंने बोला था आप लोगों से कि भैया वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ किस तरीके से होगा। तो उसी क्वेश्चन को जरा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ क्या होने वाला है, कुछ ऑप्शन वगैरह दे लेते हैं। ऑप्शन ए मान लेते हैं पैराबोला होगा, ऑप्शन बी हाइपरबोला होगा, सी होगा आपका एलिप्स, ठीक है? पता करते हैं इनमें से क्या हो सकता है, ठीक है? चलिए, या तो चलिए डी एक मान लेते सर्कल होगा। तो चलिए डिराइव करते हैं, पता करते हैं कि होने क्या वाला है। अच्छा देखिए, फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी का, कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने बोला ठीक है। अब देखिए इधर क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। ओमेगा नीचे चला गया, बचा क्या इधर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सही है ना, माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ ले लिया, प्लस एक्स हो गया, बढ़िया। फिर क्या हो सकता है, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, क्लियर बात है, एकदम समझ में आ रहा है। अच्छा अगर आप लोग को नजर आ रहा है तो क्या ये एलिप्स का इक्वेशन नहीं है, क्या ये एलिप्स का इक्वेशन नहीं है, बराबर? तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई वी वर्सेस एक्स का ग्राफ, ये कंपटीशन है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, कंपटीशन है, बहुत आता है, ठीक है? जैसे कि जेई नीट वगैरह एमएसटी सीटी वगैरह में पूछा जाता है कि वी वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है और ऑप्शन दिया जाते हैं आपको, तो आप क्या ऑप्शन टिक करेंगे, आप एलिप्स का ऑप्शन टिक करेंगे, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये एलिप्स का इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। अच्छा अब ये ग्राफ बनता कैसे, अब ये ग्राफ बनता कैसे, ये देखिए ये ग्राफ है, एक्स पे क्या बेटा, एक्स पे ए एम्पलीट्यूड, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। y एक्सिस पे क्या लेंगे बेटा, वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी के साथ क्या है ओमेगा और a है, तो v इज इक्वल टू प्लस ओमेगा a, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा a। अच्छा ग्राफ बनाना ही बहुत आसान है, ग्राफ बनाना ही बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो हम लोगों ने याद करो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन मतलब अगर हम इसको मीन पोजीशन मान करके चलते हैं, तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, माइक को जरा जेब में डाल लें, नहीं तो इसके ऊपर पैर रखेंगे धड़ाम से सीधे नीचे, ठीक है? तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। हाँ सर अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या थी बेटा, जीरो थी। हमने बोला ठीक है जीरो, हमने बोला ठीक है जीरो, और मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ये बन गया आपका एलिप्स। इसी तरीके से तो कुछ एलिप्स नजर आता है आपका, ये बन गया आपका एलिप्स। देखिए सिंपल सी बात है, मीन पोजीशन में वेलोसिटी क्या थी बेटा, मैक्सिमम थी, आपने बोला हाँ सर मैक्सिमम है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जैसे जैसे हम एक्सट्रीम पे जाते गए वैसे वैसे वेलोसिटी जीरो होती चली गई, समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो अपना, अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे दिमाग लगा लो बेटा कि जैसे आप मेन पोजीशन पे थे वेलोसिटी मैक्सिमम, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वेलोसिटी कम होती चली गई, कम होती चली गई, और जब एकदम एम्पलीट्यूड पे, एकदम जब दूरी पे चले गए तो वेलोसिटी बेटा क्या हो गई, जीरो हो गई, सिंपल।
तो बस इसी तरीके से हर पॉइंट को जोड़ करके हमने बस जोड़ दिया इसको, और ये क्या बन गया बेटा, ये एक एलिप्स का ग्राफ बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना आसान है, नोट डाउन कर लो बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, और जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है बेटा, पहले वो आप लेक्चर देख लो, तो ही आपको ये समझ में आएगा कि भाई इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये पार्ट टू है हमारे ऑसिलेशन का। ठीक है, पार्ट वन ज्ञान का पिटारा करके सर्च करो, ऑसिलेशन आप लोग को मिल जाएगा पार्ट वन। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने कुछ एक और बात कही थी, और वो बात क्या थी? हमने कहा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट SHN, SHN नहीं होता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, लेकिन 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 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन SHM होता है। अच्छा, आपने बोला सर आप कंफ्यूज हो रहा है सर, ये नहीं चलेगा। अरे बाबा देख लो बेटा इधर, SHM किसको बोलते हैं? मीन पोजीशन। हमने मान लो कि हमने यहां पे कुछ रखा, एक यहां पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को बांध करके हमने स्प्रिंग को से घसीटा, तो ऐसी स्प्रिंग को घसीटा, स्प्रिंग क्या करेगी? ऐसे कट 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 आगे पीछे करेगी, नहीं करेगी बेटा। ठीक है, तो अपने मेन पोजीशन पे टू एंड फ्रो होना, आगे पीछे होना क्या कहलाता है बेटा? SHM कहलाता है। तो अगर वो चीज किसी भी तरीके से UCM में अगर हम साबित कर दे, तब बोलेंगे अरे वाह सर सही है, फिर तो वो SHM है। चलिए फिर देखते हैं, ये देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। मान लेते हैं कि यहां पे अगर कोई पार्टिकल बढ़ के यहां पर गया, यहां पर गया, अगर हम इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं, अगर हम इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं, ऐसे बना रही है इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, फिर यह पार्टिकल थोड़ा सा मुन्ना सा और आगे बढ़ा, इसका प्रोजेक्शन बेटा क्या हो जाएगा? यहां पर यह हो जाएगा। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा, आपने बोला सर इसका प्रोजेक्शन और ऐसे प्रोजेक्ट करना है आपको चीज़ों को, थोड़ा सा हम लोग ना इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि भाई सब चीज़ मीट हो रही है। हाँ, ये प्रोजेक्शन बढ़िया हो गया, आपने बोला हाँ अब सही है। ठीक है, फिर ये यहाँ से गया, यहाँ से आया 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 आया, अब यहाँ पे गया, इसका प्रोजेक्शन बेटा ये बना, थोड़ा और आगे आया, इसका प्रोजेक्शन बेटा ये बना, थोड़ा और आगे आया बेटा, इसका प्रोजेक्शन ये बना। तो अगर आप देख रहे होगे तो देखिए, बहुत ध्यान देना, अगर मैं इसको P1 मानता हूँ, इसको P2 मानता हूँ, और इसको P3 मानता हूँ, फिर इस पॉइंट को P4, इस पॉइंट को P5, और इस पॉइंट को P6, तो क्या आप देख नहीं रहे यहाँ पे क्या हो रहा है कि P1 से P2, P2 से P3, फिर P3 से P4, P4 से P5, P5 से P6, देख रहे हो? देखो, P1 से P2, P2 से P3, फिर P3 से P4, P4 से P5, P5 से P6। हमने क्या बोला था? SHM किसको बोलते बेटा? आगे पीछे, आगे पीछे, वही तो हो रहा है बेटा। P1 से उसका प्रोजेक्शन देखो, P1 से P2 गया, आया ना, बोल लो भाई कमेंट सेक्शन में डाल देना। P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4, P4 से P5, P5 से P6। अब थोड़ा महसूस हो रहा है, अब थोड़ा सा महसूस हो रहा है। तो देखो बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन SHM तो नहीं होता, लेकिन उसका प्रोजेक्शन जो होता है बेटा वो SHM होता है, इस बात का ध्यान रखना। अरे अब उसी तरीके से आप आगे बढ़ा लो इसको, यहाँ पे ये प्रोजेक्शन और बना लो। ठीक है, ये प्रोजेक्शन और बना लो अगर आपको बनाना है। ठीक है, फिर ये इधर चला गया, फिर ये प्रोजेक्शन यहाँ बना लो, फिर ये और आगे चला गया, ये पोजीशन यहाँ बना लो। तो देखो ना, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर पीछे आया, फिर इधर गया, तो वही हो रहा है ना बेटा। ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, आगे पीछे फिर आगे, बस यही चल रहा है, इसी को तो SHM कहते हैं बेटा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट SHM, बट प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज SHM, याद रखना इस चीज को। अच्छा ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे थे, इसको बहुत बढ़िया तरीके से बेटा नोट डाउन कर लेना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। ठीक है, इसके प्रोजेक्शन जो होते हैं वो SHM जरूर होते हैं। चलिए इसको रब करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि प्रोजेक्शन ऑफ SHM जो होता है, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो SHM होता है। अच्छा,
तो चलिए बेटा एक बना लेते हैं सर्कल, ठीक है। यहाँ से एक पार्टिकल मूव होना शुरू हुआ टाइम जीरो पे, टाइम जब जीरो था तब वो पार्टिकल बेचारा गरीब सा है, वो मूव होना शुरू हो गया, मूव होते 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 यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। एट टाइम टी इज इक्वल टू टी कुछ ले लीजिए और कुछ थीटा उसने कवर किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, कुछ थीटा है, ठीक है। हमने बोला बेटा डिस्प्लेसमेंट पता करिए, डिस्प्लेसमेंट पता करिए। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करेंगे, आपने बोला सर ये इंक्लाइंड है तो क्या इसको रिजॉल्व कर दें, हमने बोला ठीक है रिजॉल्व कर दिया। आप कैसे रिजॉल्व करोगे, ऐसे और ऐसे, सही बात है कि नहीं, तो इसको आपने रिजॉल्व कर दिया ऐसे, और ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया ना बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है उसका, बिकॉज इससे मैक्सिमम डिस्टेंस तो कवर कर नहीं सकता, ठीक है, सर्कल के बाहर जाके थोड़ी ना कवर करेगा बेटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा उसका, एम्पलीट्यूड वाला डिस्टेंस होगा, इसको ए ले लिया। अच्छा तो ये यहाँ पे आ गया और एक ये यहाँ पे आ गया, ठीक वाई पे, वाई पे, ठीक है, ये एक्स के लिए और एक वाई के लिए, देखिए वही बनाया ना यहाँ पे, वही बनाया यहाँ पे, अच्छा बढ़िया लग रहा है, खूबसूरत सा सुंदर सा, चलो ठीक है। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कैसे होगा ये सॉल्व। अच्छा इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, याद रखना क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा इसको हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। जिस एक्सिस के साथ भी थीटा होता है बेटा उसको कॉस लेते हैं, और जिस एक्सिस के साथ थीटा नहीं होता बेटा उसको क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल तो कोई चीज है नहीं यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई मुश्किल चीज है नहीं। अच्छा अब चीजें देखिए कैसे करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, आपकी मर्जी आप कौन सा लेना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मोशन शुरू हो गया इस तरीके से, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस होने वाला है यहाँ पे, तो हमने क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब लेकिन हमने पढ़ा कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी, बोला अच्छा ये कैसे आया सर, ओमेगा बेटा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी का ऐसे ही फॉर्मूला क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा थीटा है अपॉन टी, तो देखिए थीटा आ गया ना बेटा ओमेगा इनटू टी, मजेदार है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लेकिन अगर हम लोग चाहे तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिखें या x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लिखें, हमने बोला हाँ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे लोग बोले सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे लिख लेंगे, हमने बोला बेटा इधर ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा अभी हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज, क्या बोलेंगे बेटा उसको हम लोग, इनिशियल फेज। अच्छा इनिशियल फेज क्या होता है, यहां पे एक सर्कल बना लो, ठीक है, यहां पे एक सर्कल बन गया हमारा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब मोशन जो पार्टिकल का है ना बेटा वो यहां से शुरू हो रहा है t इज इक्वल टू जीरो से, और आया यहां पे थीटा t इज इक्वल टू टी से, यहां पे कुछ छूटा नहीं जा रहा है, बिकॉज मेन पोजिशन बेटा क्या है, मेन पोजिशन तो इसको लिया ना, मेन पोजिशन तो इसको लिया, यहाँ पे मेन पोजिशन इसको लिया था, वही सेम मेन पोजिशन y एक्सेस को लेना है यहाँ पे मेन पोजिशन। तो बेटा मेन पोजिशन जब y एक्सेस है, y एक्सेस के अलॉन्ग जब SHM हो रहा है, y एक्सेस के अलॉन्ग जब SHM हो रहा है, ध्यान देना y एक्सेस के अलॉन्ग जब SHM हो रहा है, पार्टिकल का मोशन लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, तो उस थीटा 90 डिग्री को छोड़ देंगे क्या बेटा, वो 90 डिग्री को छोड़ देंगे क्या, आपने बोला सर नहीं ऐसे कैसे छोड़ देंगे, तो हम बोलेंगे बेटा इसको फिर हम इस इक्वेशन को यहां पे हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस प्लस फाइ। अब ये फाइ क्या होता है बेटा, इस
फाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। इसका मतलब क्या होता है कि मोशन शुरू होने से पहले जो एंगल है, यहां मोशन तो यहां से शुरू हुआ ना बेटा, मोशन शुरू होने से पहले का जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसको, फाई। बहुत सारे लोग इसको फेज डिफरेंस या फेज बोल देते, नहीं इनिशियल फेज बोलो। इनिशियल मतलब शुरुआती फेज, जहां से इसकी शुरुआत हुई है। तो मोशन शुरू होने से पहले मेन पोजीशन से कितना एंगल जो कवर हो रहा है उसको आपको फाई की जगह पे डाल देना है। अच्छा, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कितना बेटा 90 पाई बाई टू, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है बेटा, कॉस थीटा। तो x इज इक्वल टू ए कॉस, तो आप चाहे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिखो या आप x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लिखो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं बेटा। ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। किसका इक्वेशन हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ठीक है। इस फाई के ऊपर अभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, दिक्कत मत लो। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा, फिलहाल के लिए अभी आप समझ लो इसको कि ये आपका इनिशियल फेज है। और यहां से आप अगर चाहो तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बोलो या x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो लेना है वो ले लो, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लो इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो फिर हम लोग जो है वेलोसिटी का भी इक्वेशन निकालते हैं और एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन निकालते हैं। अभी तो डिस्प्लेसमेंट का निकाला हम लोग ने, यहाँ पे वेलोसिटी वगैरह भी उन्होंने निकाली है, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं थी। अब यहाँ पे हम लोग इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा भी निकालेंगे। चलिए इसको रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लोग ने यहाँ से निकाला। चलिए तो क्या आपको मालूम है बेटा कि वेलोसिटी इज नथिंग बट डी एक्स बाई डी टी, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। तो इसको डिफरेंशिएट करिए डी एक्स बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए कॉन्स्टेंट है बेटा, बाहर आ गया। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। और ओमेगा टी, ओमेगा टी को भी डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ गया, टी का डेरिवेटिव हो गया 1, तो क्या लिख देंगे हम लोग इसको, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस। अब अगर आपसे कोई बोले बेटा एक्सेलरेशन पता करो, कुछ नहीं करना बेटा, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डीवी बाई डीटी, है ना। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, क्या निकल जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो चलिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी वी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है। ए और ओमेगा बेटा क्या है, कांस्टेंट है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा। और ओमेगा टी का डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया, टी का डेरिवेटिव हो गया 1, तो फिर से इनटू ओमेगा हो जाएगा। तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा, ओमेगा इनटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है। माइनस बाहर ले लिया तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अच्छा 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 अच्छा, अब इसमें देखो कुछ नजर आ रहा है तुम लोग को, पहले लेक्चर में कुछ किया था हल्का फुल्का, कुछ नजर आ रहा है, कुछ इसकी झलकियां नजर आ रही है इस इक्वेशन में कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, कुछ हल्का हल्का नजर आ रहा है ना। अब देखो इधर, क्या a साइन ओमेगा टी की जगह पे x लिख सकते हैं, क्या a साइन ओमेगा टी की जगह पे x लिख सकते हैं। आपने बोला हाँ सर, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, समझ में आ गया, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था, वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां से ही मिल रहा है। तो चाहे साइन कॉस के टर्म में लिख दो तब भी एक्सेलरेशन वही है, चाहे साइन कॉस के बिना लिख दो तब भी एक्सेलरेशन वही है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो अगर किसी भी चीज को अगर हमें SHM बताना है ना बेटा, तो दो तीन बातें तो एकदम साबित हो गई कि दो तीन चीजें साथ आपको पैरामीटर्स पूरे होना चाहिए। एक तो f इज इक्वल टू माइनस kx साबित होना चाहिए, एक तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x साबित होना चाहिए, एक तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t साबित होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें फुलफिल होती हैं तो हमने बोल दिया भाई वो चीज SHM में होती है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है, कोई बात नहीं। ये ढक्कन का गिरना जरूरी होता है हर लेक्चर में, परंपरा है हमारे वीडियोस की। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो,
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। आपने बोला वाह सर कुछ बड़ा टॉपिक पढ़ाएंगे, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। हेडिंग डालो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी करना है नोट्स बना लो, ठीक है। रब करते हैं इसको, इसको नहीं रब करेंगे नीचे वाला, बिकॉज ये तो काम आएगा अभी हमारे पास। तो हेडिंग डालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। अच्छा x को ध्यान देना, ध्यान देना, सब सब ध्यान इधर। x को जब दो बार डिफरेंशिएट किया था तो क्या तब एक्सेलरेशन नहीं मिला था? बोलो हाँ या ना। अब बोलोगे सर कैसे हूं बेटा, x को डिफरेंशिएट किया था v मिला था, v को डिफरेंशिएट किया था तो a मिला था, इसका मतलब क्या x को दो बार डिफरेंशिएट किया तभी तो a मिला। तो क्या हम लोग a को ऐसे नहीं लिख सकते कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर? सही बात है कि नहीं, x को दो बार डिफरेंशिएट किया ना बेटा तभी तो एक्सेलरेशन मिला। तो अगर मैं इस a के जगह पे लिख दूं कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को अगर मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। बड़ा सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ खास तो था नहीं इसमें, ऐसे कोई बड़ी बड़ी बातें तो थी नहीं, बस टॉपिक इतना बड़ा नाम का था, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो अगले लेक्चर में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे सर्कुलर मोशन के ऊपर, ज्यादातर हमारा फोकस रहेगा, साइन कॉस के ऊपर चर्चा करेंगे, इनिशियल फेज के ऊपर थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह भी लेंगे, और क्या करेंगे ग्राफ वगैरह बना लेंगे साइन कॉस की। और सबसे बढ़िया ट्रिक बताने वाले हैं कि सिर्फ देख करके कैसे पहचाना जाता है कि भाई ये साइन का ग्राफ है या कॉस का ग्राफ है, ताकि जब ये सब जेई नीड और MSTCT वगैरह देना तो देख करके मालूम पड़ जाए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट रहेगा तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हो 8425936062 पे, या इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो hassi_सैयद पे। तो बस यार मुझे इतना ही कहना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।